हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ फोटोग्राफी टिप्स को लेके। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, शक्ल आप पहली बार देख रहे हैं, तो आई एम प्रवीण भट्ट, आई एम अ सेलिब्रिटी फैशन फोटोग्राफर और डायरेक्टर बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। गाइस, बहुत सारे लोग मेरे से फोटोग्राफी के बारे में, बेसिक बिगिनर्स जो हैं, बहुत सारे एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स हैं, मेरे से पूछते रहते हैं कि सर आप अपनी फोटोग्राफी के बारे में कुछ बताएं, अपनी फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ टिप्स हमको दें, कौन से गियर्स आप यूज़ करते हैं, कौन सा कैमरा लेंस क्या यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपसे आने वाले वीडियोज़ में बात करने वाला हूँ। मैं फोटोग्राफर कैसे बना, उसके लिए लिंक यहाँ पे है, आप ज़रूर उसको देखिएगा, आपको आइडिया होगा वेयर एंड हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। सबसे पहली बात तो ये है कि कैमरे को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आज आपने मन बना लिया है कि मुझे एक फैशन फोटोग्राफर या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर या वेडिंग फोटोग्राफर, कौन सी भी फोटोग्राफी फील्ड में आपको जाना है। सबसे ज़रूरी है दोस्तों जानना हमारे इस मैजिक बॉक्स को, कैमरा ऑपरेट कैसे करता है। गाइस, सबसे पहली बात तो ये है, जो ये लेंस होता है कैमरे का, जो लाइट है वो इसके अंदर से पास ऑन होती है और इसके अंदर बैक ऑफ योर लेंस से एक वेरिएबल साइज का जो होल होता है उसके थ्रू ये लाइट पास करती है। इसको हम बोलते हैं अपर्चर। जो आप इस होल का साइज सेट करते हैं, जो इस अपर्चर का साइज आप सेट करते हैं, वो डायरेक्टली इस पे इफेक्ट करता है आपकी इमेज की डेप्थ ऑफ फील्ड में। डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब कि कौन सी चीज़ें, कितनी चीज़ें हमारे शॉट में शार्प हैं, कितनी चीज़ें हमारे फोकस में हैं, वो पूरा वेरिएबल जो हमारा अपर्चर का साइज़ है उस पर सारा डिपेंड करता है। अभी जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, आपको दिख रहे हैं दो डिफरेंट टाइप के डेप्थ ऑफ फील्ड, एक शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड है और एक डीप डेप्थ ऑफ फील्ड है। ये सारा बेसिकली डिपेंड करता है हमारे अपर्चर साइज के ऊपर। अगर आप अपना कैमरा छोड़ देते हैं गाइज ऑटो मोड पे खींचने के लिए, हम छोड़ते हैं यार बस यार कैमरा ले लिया, ऑटो मोड पे छोड़ दिया और उसको क्लिक करते हैं, कैमरे को ये नहीं पता कि आप एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं खींचने के लिए, आपके माइंड में क्या चल रहा है कि क्या शॉट लेना चाह रहे हैं। तो एक अच्छी पिक्चर को, एक क्रिएटिव पिक्चर को खींचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपर्चर के साथ खेलें और मैनुअल मोड को ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जब आप एक फ़ोटो खींचते हैं गाइज, होता क्या है, लाइट पास करती है और अंदर जो कैमरा का जो मिरर होता है इट गोज़ अप और अंदर का जो शटर है इट ओपन्स एंड क्लोजेस, उतने टाइम के लिए खुलता है जितने टाइम के लिए आपने उसको सेट किया होता है और उसके बाद अमाउंट ऑफ लाइट जितनी चाहिए, जितना इमेज को आप खींच रहे हैं वो स्टोर करने के बाद मिरर वापस नीचे अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। जितने टाइम के लिए भी वो शटर खुला रहता है, लाइट पास करती है, उसको हम बोलते हैं शटर स्पीड। ये शटर स्पीड जितने टाइम के लिए भी खुली रहती है गाइज, ये इम्पैक्ट करती है आपकी फाइनल पिक्चर्स पे कि फाइनल क्या मोशन, क्या मोमेंट है और क्या आपने उसको खींचा है। तो दोस्तों, अगर ये शटर ओपन रहता है बहुत ही ब्रीफ टाइम के लिए और जो सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा मोमेंट का टाइम नहीं मिला होता है, तो यू फ्रीज बेसिकली फास्ट मोमेंट्स एट दैट टाइम। और दोस्तों, अगर ये शटर ज़्यादा टाइम के लिए खुला रहता है और साथ में जो हम इमेज ले रहे हैं, जो वो मूविंग इमेज है, तब आपको एक अच्छा सा मोशन ब्लर या मोमेंट ब्लर मिल जाता है जो इमेजेस वगैरह में अच्छा लगता है। अगर आप वाटरफॉल वगैरह को देखें या किसी एथलेटिक शॉट्स वगैरह को देखें तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ एग्जांपल्स मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ स्लो शटर स्पीड के और फास्ट शटर स्पीड के, जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि शटर स्पीड का इंपॉर्टेंस क्या रहता है हमारे फोटोशूट्स में। दोस्तों, जो कैमरा आपने ले लिया है, मेक श्योर इसको क्लिक करने से पहले आप चेक करें कि आपका जो लेंस है इसका जो ऑटो फोकस मोड है वो ऑटो मोड पे ऑन है। अगर आपके इसमें स्टेबलाइजर है लेंस में तो स्टेबलाइजर ऑन है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैमरा ले लिया है और बस आते ही फटाफट क्लिक करने का मन तो सबका करता है, शुरू हो जाते हैं, बट मेक श्योर कि ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप स्टार्ट करने से पहले चेक कर लें, चेकलिस्ट एक बना लें, इसको ज़रूर चेक किया करें। फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ ये है, आपने नोट किया होगा कि जब भी हम कैमरा ऑन करते हैं और क्लिक करने की बारी आती है, मेक श्योर दैट यू जस्ट डोंट क्लिक द बटन स्ट्रेट वे कि आप कैमरा आ गया हाथ में बस क्लिक करो वो शूट करूँ। पॉइंट करें अपने सब्जेक्ट पे जहाँ जिसको आप शूट करना चाह रहे हैं, हाफ वे आप पहले उसको क्लिक करें। हाफ वे क्लिक करने में आपका कैमरा, आप आवाज़ सुनते जूं जूं जूं, आप उसकी आवाज़ सुनते हैं तो वो बेसिकली फोकस कर रहा है चीज़ को जिसको आपने शूट करना है। पहले हाफ वे क्लिक करें, उसके बाद फुल बटन दबा के अपने शॉट को लें। मेक श्योर जल्दबाजी में हमेशा शॉट ना लें, फोकस चेक करें, अच्छा फोकस है, क्लिक एंड देन टेक द फाइनल शॉट। बेसिक कैमरा ऑपरेशन में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है द राइट वे ऑफ होल्डिंग द कैमरा। गाइज, लोग क्या करते हैं, कैमरा ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं कुछ ऐसे, मैंने देखा लोगों को ऐसे भी शूट करते हुए या उल्टे तरीके से शूट करते हुए। द राइट वे ऑफ डूइंग इज राइट, आपका ग्रिप तो ये है ही, आपने इसको राइट ग्रिप ले लिया अपने कैमरा को और लेफ्ट हाथ शुड ऑलवेज गो डाउन टू सपोर्ट योर बॉडी, और जो आपका लेफ्ट आर्म है वो आपकी चेस्ट पे स्ट्रांगली टच करें ताकि आप इसको कैमरा को अच्छा ग्रिप और सपोर्ट दे सकें। और जब आप इसमें ले रहे हैं पोर्ट्रेट मोड, तब मेक श्योर आपका जो ये क्लिक वाला बटन है ऊपर है, राइट हैंड शुड ऑलवेज बी अप,
ये ना हो कि आप उल्टा करके ऐसे करके शूट करो, तो दिस इज द राइट वे ऑफ शूटिंग एंड अगेन द लेफ्ट हैंड गोज डाउन एंड दैट्स हाउ यू होल्ड द कैमरा एंड डू द शॉट्स। गाइस, डिजिटल फोटोग्राफी होने से हमें एक फ़ायदा बहुत बढ़िया हो गया कि जो भी हम शूट करते हैं फटाफट आपके कैमरा पे वो नज़र आ जाता है। पहले एक टाइम होता था, आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड फोटोग्राफी, जो भी हम शूट करते थे फिल्म में क्लिक करते थे और उसके बाद उसको प्रिंट कराने ले जाना पड़ता था लैब में, और अगले दिन पता चलता था कि क्या सही और क्या गलत आया है। फिल्म के साथ ये प्रॉब्लम होती थी। नाउ मेक श्योर व्हेनेवर यू क्लिकिंग, क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम होल्ड करें, जैसे एक दो सेकंड रुक के हमारी इमेज हमारे स्क्रीन पे नज़र आती है, अब उसको चेक करें, जूम इन करें, चेक करें कि इमेज फोकस में है, आपकी जो शटर स्पीड है, अपर्चर है, वो सब आपके टेस्ट अकॉर्डिंगली सही है, आपकी इमेज सही दिख रहा है, देन यू टेक द नेक्स्ट शॉट। कैमरा में हमें दिखते हैं बहुत सारे ऑटो फोकस पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जब आप ऑन करते हैं। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस आपके लिए सजेशन ये भी है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं सेट द AF मोड जो है आपका ऑटो फोकस टू सिंगल एंड AF-S मोड, ये आपका होना चाहिए स्टार्टिंग के लिए। जो मैं पर्सनली मैंने जो शुरू किया था मैंने यही फॉलो किया था, आप भी इसको सेटिंग में चेंज कर सकते हैं। एक और चीज़ जो बिगिनर्स फोटोग्राफर के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, गाइस, जब आप क्लिक करते हैं कई बार देखते हैं कि इमेज फोकस में नहीं आ रही, आपके नंबर्स ब्लर आ रहे हैं, ये कैमरा का या आईसाइट का प्रॉब्लम नहीं है, या आपका अडैप्टर का जो सेटिंग है वो आपने ठीक नहीं किया हुआ है, तो मेक श्योर व्हेन यू क्लिक उसको कैमरा, अगर आपके पास नया नया आया है, अडैप्टर का सेटिंग ज़रूर सेट करें अपने आई के अकॉर्डिंगली, इस बटन को चेंज करके इसको ज़रूर आप सेट करें। बाकी कैसा लगा आपको आज का वीडियो, डू कमेंट बिलो, मुझे बताएं किन और टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहेंगे। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, नीचे लिंक दिया हुआ है, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर फोटोग्राफी रिलेटेड टिप्स एंड फोटोशूट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं गाइस, सब्सक्राइब अगर आपने किया भी हुआ है तो बेल आइकन जरूर हिट कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पहले ही मिल जाए। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, घर पे रहना, थैंक यू।